हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द WsCubeTech। WsCubeTech में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी ऑटोकैड की सीरीज चल रही है। उस ऑटोकैड की सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डिनेट को। यस, हमारे जो डायमेंशन टूल्स रहे हैं उसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डिनेट को। ऑर्डिनेट क्या होता है, देखिए, बेसिकली ऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम से मतलब है यहाँ पर। तो ऑर्डिनेट होता क्या है, किस तरह से यहाँ पर इसको फाइंड आउट किया जा सकता है, इसका शॉर्टकट कमांड क्या है और ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, सभी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसा कि हमारे पास चल रहा है डायमेंशन स्टाइल के बारे में, चला जितने भी हमारे पास डायमेंशन है उन सभी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हमने लीनियर डायमेंशन को डिस्कस किया, हमने सर्कल डायमेंशन को डिस्कस किया, यहाँ पर रेडियस और डायमीटर डायमेंशन को डिस्कस किया, उसी तरह हमारे पास ऑर्डिनेट होता है। ऑर्डिनेट से क्या कर सकते हैं हमारे पास, कि हमारे पास जो भी कोई भी पॉइंट्स होता है, यस, यहाँ पर क्या होता है, एनोटेट जो पॉइंट्स होते हैं उस पॉइंट का यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू निकाली जा सकती है। बेसिकली बात की जाए यहाँ पर, तो आपके पास कोई पॉइंट है आपके पास ऑटोकैड के अंदर, उस ऑटोकैड का आप यहाँ पर उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं। मतलब आपके उसके कोऑर्डिनेट, मतलब आपके एक्स में कितनी वैल्यूज आ रही है, वाई में कितना आने वाला है, वो आप कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऑर्डिनेट का यूज कर सकते हैं। बेसिकली इसकी बात की जाए, इसका शॉर्टकट कमांड क्या है यहाँ पर, तो इसका शॉर्टकट कमांड है डिम ऑड। यस, डिम ऑड का एंटर करते ही आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑर्डिनेट सिस्टम ऑन हो जाएगा। और ऑर्डिनेट सिस्टम ऑन होते ही यहाँ पर इनेबल होते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप किसी भी पॉइंट का यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं ऑटोकैड में और ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं कि ऑर्डिनेट कमांड किस तरह से यहाँ पर वर्क करता है। तो चले ऑटोकैड के अंदर, तो देखिए ऑटोकैड के अंदर हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, देखिए इसका जो शॉर्टकट कमांड है डिम ऑड यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखिए डिम ऑड से भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। मतलब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। या फिर मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो शॉर्टकट कमांड की जगह यहाँ पर देखिए आपके पास जो डायमेंशन स्टाइल है, इसके अंदर आप जाके ऑर्डिनेट्स को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखिए इससे प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने डायमीटर, रेडियस, आर्क लेंथ वगैरह इन सभी को बारे में वन बाय वन डिस्कस किया था, तो आज हम ऑर्डिनेट को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ऑर्डिनेट का मतलब क्या है, जरा बात बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर किसी पॉइंट की, यहाँ पर पॉइंट की लोकेशन को आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर स्पेसिफाई करना चाहते हैं। स्पेसिफाई मतलब क्या है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। देखिए जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जो लिया जाता है वो आपके इस रेफरेंस यूसीएस सिस्टम से लिया जाता है। यूसीएस सिस्टम से लेने का मतलब क्या है यहाँ पर, बेसिकली मैं बात बताना चाहूंगा। तो यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पर आपको ग्रिड दिख रहा होगा, यहाँ पर इस ग्रिड की बात करूं यहाँ पर, तो ग्रिड्स के अंदर क्या हो रहा है, आपके पास कोई भी एक कोऑर्डिनेट एक पॉइंट ले लिए तो उसका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब उसका एक्स में कुछ वैल्यू होती है और वाई में कुछ वैल्यू होती है, तो उस वाई और एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं। आप जैसे कि यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा तो किस तरह से हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो देखिए बेसिकली मैं यहाँ पर ऑर्डिनेट्स को यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। ऑर्डिनेट्स को क्लिक करने के बाद जरा देखिए यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करूंगा, इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करने पर देखिए यहाँ पर, देखिए आप यहाँ से लेके जा रहे हैं तो ये आपके क्या हो रहा है, टू आ रहा है। और देखिए यहाँ से ही ऑर्डिनेट्स का लेके चलेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए नीचे भी आपका क्या आ रहा है, टू आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपके जो ये सिस्टम है ये एक्स से भी यहाँ पर टू डिस्टेंस पे है और वाई से भी क्या डिस्टेंस है, टू डिस्टेंस पे है। तो चलो चेक करते हैं यहाँ पर क्या एक्स और वाई से जो डिस्टेंस है हमारी वो टू है या नहीं। एक्स और वाई से डिस्टेंस मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, कि आपके पास ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये जो आपके पास यूसेज सिस्टम है, इस यूसेज सिस्टम से ये जो पॉइंट है वो एक्स में भी टू सेंटीमीटर, जैसे कि हमारे पास जो अभी यूनिट चल रही है वो सेंटीमीटर है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा यूनिट हमारी जो है, यस, यूनिट हमारी कौन सी चल रही है, डेसिमल चल रही है और 0.00 यहाँ पर प्रिसिशन चल रहा है और यहाँ पर सेंटीमीटर चल रही है। ओके, तो इसके हिसाब से क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है ये आपके यूसीएस सिस्टम से 2 सेंटीमीटर दूरी पर है और यहाँ पर एक्स के अंदर और वाई के अंदर भी क्या है, 2 और 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। चलो चेक करते हैं किस तरह से यहाँ पर ये दोनों 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर है या नहीं, इसको चेक कैसे किया जा सकता है। तो देखिए इसको चेक करने का बहुत ही सिंपल सिस्टम है। देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इन दोनों की लीनियर डायमेंशन को चेक कर रहा हूँ। लीनियर डायमेंशन का मतलब क्या हो रहा है, इस पॉइंट से आपके पास जो एक्स, आपके पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम, यूसीएस सिस्टम है, यूसीएस से आपका ये डायमेंशन, ये जो पॉइंट है कितने डिस्टेंस पर है, इसको चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास पता चल जाएगा कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स है वो सही है नहीं, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें क्या बताता है कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर बताता है कि यूसीएस से कितनी डिस्टेंस है। चलो चेक करते हैं यहाँ से। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट है इसका रेफरेंस पॉइंट ऊपर ले रहा हूँ और इस रेफरेंस पॉइंट से इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मेजर करूंगा। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या आ रहा है, रेफरेंस पॉइंट से जो डिस्टेंस आ रही है वो यहाँ पर 2 आ रही है। ओके, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं वाई के अंदर भी। तो देखिए यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, वाई से इस पॉइंट के रेफरेंस डिस्टेंस से ये दूसरी रेफरेंस डिस्टेंस के बीच पर चेक कर रहा हूँ, तो ये भी आपके पास क्या आ रही है, 2 आ रही है। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा। एक काम करते हैं, हमारे यहाँ पर इस यूसीएस सिस्टम में कोई और एक्स्ट्रा पॉइंट लेके चेक करते हैं कि क्या उसकी कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास इस तरह से आती नहीं आती। तो इस बार क्या करेंगे कि इस बार कोई ऐसा पॉइंट लेंगे जो यहाँ पर इक्वलेट नहीं हो। ओके, तो यहाँ पर देखिए कुछ ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे ग्रिड को ऑन कर रहा हूँ ताकि हमारे पास जो पॉइंट्स है वो स्पेसिफाई हो। अब जरा देखिए यहाँ पर आपके पास क्या रहा है, 2.5 आ रहा है। और नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है 1.5। अब जरा देखिए यहाँ पर बात करते हैं 2.5 और 1.5 एक्चुअल में है क्या। तो
तो देखिए आपने क्या किया यहाँ पर, इस पॉइंट के थ्रू आपने नीचे की तरफ लोकेट किया। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि आपकी जो यहाँ पर जो पॉइंट्स है वो यहाँ से वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस के ऊपर कवर कर रहा है, और यहाँ से मतलब वाई एक्सिस से कितने पॉइंट्स के डिस्टेंस पर है वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। और नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर जो आपके पास 1.5 है वो यहाँ से क्या हो रहा है कि आपके पास वाई एक्सिस से जो एक्स एक्सिस के अंदर, जैसे कि आपको मैं सिस्टम बताऊँ तो इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम के रूप में लिखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब चेक करते हैं यहाँ पर कि क्या ये हमारे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो राइट है या नहीं। देखिए यहाँ से इस पॉइंट तक के बीच की डिस्टेंस निकालूंगा तो वो हमारे पास कितनी आ रही है 2 पॉइंट आ रही है। और जरा बात करते हैं यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए दूसरी पॉइंट की डिस्टेंस को फाइंड आउट करूंगा यहाँ पर, तो ये देखिए आपके पास कितनी आ रही है 1.5 आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, आप बहुत अच्छे ढंग से क्लियरली समझ चुके होंगे कि यहाँ पर ये जो शो हो रहा है, यस ये जो 2.5 शो हो रहा है ये हमारे पास क्या है एक्स कोऑर्डिनेट है, और जरा बात करते हैं ये तो ये आपके पास क्या है वाई कोऑर्डिनेट है, मतलब ये आपके पास ये एक्स हो गया ये वाई हो गया। तो यहाँ पर आपको पता चल चुका होगा कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम को किस तरह से निकाला जा सकता है। बेसिकली आप क्या कर सकते हैं कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप यहाँ पर, उस पॉइंट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब जरा बात करते हैं डिस्कस करते हैं हमारे जो दूसरे पॉइंट्स हैं यहाँ पर ऑर्डिनेट के अंदर जो दूसरे पॉइंट्स हैं हमारे पास दूसरे ऑप्शन उसके बारे में चेक करें। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है स्पेसिफाई फर्स्ट लोकेशन, क्योंकि यहाँ पर हमारा कमांड विंडो है यहाँ पर क्या लिखा है स्पेसिफाई फर्स्ट लोकेशन, आप कौन से को लोकेशन पे यहाँ पर पॉइंट निकालना चाहते हो। तो देखिए मैं इस पोजिशन पे पॉइंट निकालना चाहता हूँ। उसके बाद जरा बात करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पे लिखा है एक्सम एक्स डिटम वाई डिटम मल्टी टैक्स टैक्स और एंगल। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं एक्स डिस्टम की, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप यहाँ पे केवल और केवल एक्स कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो एक्स डिस्टम का यूज कर सकते हैं। देखिए यदि आप यहाँ पर कोई भी एंटर नहीं करते हैं तो यहाँ पर एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट एक साथ निकाला जा सकता है, लेकिन यदि आप केवल और केवल एक्स का निकालना चाहते हैं तो एक्स डिस्टम का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक्स एंटर किया, एक्स एंटर करने के बाद जरा देखिए यहाँ पर ओनली एंड ओनली फॉर क्या चल रहा है आपके पास एक्स डिस्टम चल रहा है, और उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं आपके पास क्या हो रहा है केवल और केवल क्या हो रहा है यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट ही यहाँ पर फाइंड आउट हो रहा है। क्लियरली समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। अब जरा चेक कर लेते हैं इसकी डिस्टेंस को भी, क्या ये हमारी सही है या नहीं। तो देखिए इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन के बीच की डिस्टेंस करूंगा तो ये हमारे पास 2.5 चल रही है ऑलरेडी। और जरा देखें यहाँ पर दूसरी एक्स से पोजीशन देखे, यस एक्स कोऑर्डिनेट निकाला है तो एक्स कोऑर्डिनेट से हिसाब से देखें यहाँ पर। तो देखिए मैं यहाँ से इसकी डिस्टेंस निकालने जा रहा हूँ, यस ये देखिए मैं यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस निकालूंगा तो मेरी कितनी आ रही है 5 आ रही है। तो आपको क्लियर हो गया यहाँ पर कि किस तरह से हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को। यस अब जरा देखते हैं बात करते हैं वाई डिस्टेंस की। देखिए यहाँ पर चलता हूँ ऑर्डिनेट्स के अंदर, ऑर्डिनेट्स के अंदर जाने के बाद मुझे लोकेशन देनी है। देखिए मैं यहाँ पर लोकेशन फाउंड आउट कर देता हूँ तो ये मेरी हो चुकी है लोकेशन। यस जरा देखिए यहाँ पर ये मैं लोकेशन दे देता हूँ। उसके बाद जरा देखिए एक काम करते हैं दूसरी लोकेशन देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ का एक लोकेशन। क्लियर। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर वाई डिस्टेंस की। तो देखिए वाई एंटर करते हैं आपके पास क्या हो रहा है कि ओनली एंड ओनली फॉर क्या बता रहा है ये पास आपके पास कि वाई डिस्टेंस ही ओनली ओनली फॉर शो कर रहा है आपके पास यहाँ पर एक्स डिस्टेंस को यहाँ पर क्या कर रहा है क्यों नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब जरा बात करते हैं हमारे पास दूसरे और कौन कौन से ऑप्शन है ऑर्डिनेट्स के अंदर, तो ऑर्डिनेट्स के अंदर हमारे पास दूसरे ऑप्शन है यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर देखिए मुझे लोकेशन देनी है। तो देखिए मैं यहाँ कहीं लोकेशन दे देता हूँ। लोकेशन देने के बाद यहाँ पर देखिए मल्टी टैक्स टैक्स और एंगल बच चुका है आपके पास। एक्स और वाई डिस्टेंस का मतलब आप समझ चुके कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं एक्स से डिस्टेंस या वाई से डिस्टेंस आपको शो करनी है तो वो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। और बेसिकली बात करें मल्टी टैक्स की, तो देखिए मल्टी टैक्स के लिए क्या करना पड़ेगा एम एंटर करना पड़ेगा। ये सारे ऑप्शन क्या हो रहे हैं आपके पास ऑलरेडी चल रहे हैं कंटिन्यूसली में चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मल्टी टैक्स के अंदर क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जो टैक्सिंग है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ केवल आर इसके आगे और एंटर प्रेस करूंगा, यस डबल एंटर करूंगा यहाँ पर, या फिर आप क्या कर सकते हैं क्लोज एडिटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास जो यहाँ पर आपका जो टैक्स है वो यहाँ पर क्या हो रही है टैक्सिंग इसकी चेंज हो चुकी है। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर किसी की टैक्सिंग को किस तरह से चेंज किया जा सकता है। देखिए ये जो ऑप्शन है आपके पास सब जगह देखने को मिलता है आपके पास। उसके बाद बात करें टैक्स के लिए, तो टैक्स के लिए मुझे टी एंटर करना है। टी एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पर आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है एंटर द डायमेंशन टैक्स यहाँ पर अभी क्या चल रहा है 2.5 चला है, लेकिन अब यहाँ पर आपका एक मेंशन टैक्स लिखना चाहता है। जैसे मैं यहाँ पर ऑटो लिखना चाहूंगा, ऑटो एंटर करने के बाद देखिए आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है ऑटो नजर आ रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं। क्लियर आप समझ में आ चुका होगा। अब जरा एक बार और देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर देखिए बात करें तो यहाँ पर हमारे पास है एंगल। एंगल के लिए मैंने क्या किया है ए एंटर किया। ए एंटर करने के बाद स्पेसिफाई एंगल देना है जैसे कि मैंने दे दिया 60 डिग्री, एंटर रख लिया। तो इससे क्या हो रहा है कि आपके जो डायमेंशन टैक्स है वो यहाँ पर एक पर्टिकुलर एंगल के साथ स्पेसिफाई हो। क्लियरली समझ में आ चुका होगा यहाँ पर कि किस तरह से आप यहाँ पर किसी भी डायमेंशन किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को निकाल सकते हैं। आपके यहाँ पर कोई पॉइंट्स है उस पॉइंट के किस तरह से कोऑर्डिनेट निकाले जा सकते हैं। तो क्लियरली आपको क्या करना है यहाँ पर, या तो आप क्या करिए डी ऑर्ड क्लिक कर दीजिए, डी ऑर्ड क्लिक कर दीजिए जिससे आपके क्या होगा यहाँ पर आपके जो शॉर्टकट कमांड है वो यूज कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि आपके पास जो डायमेंशन टैक्स है यहाँ पर जो डायमेंशन स्टाइल्स है जितनी भी आपके पास स्टाइल्स है उन सभी में अंदर जाके यहाँ पर ऑर्डिनेट को यहाँ पर क्या कर सकता है चूज किया जा सकता है जिससे आपके क्या होगा यहाँ पर आपके जो पॉइंट्स है वो यहाँ पर आपके शो हो जाए। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से यहाँ पर किसी की पॉइंट के कोऑर्डिनेट सिस्टम को
निकाला जा सकता है। क्लियर हो गया? आई होप सो। तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।